एज यूर एक्टिव डायरेक्ट्री गाइज यू नो दैट मल्टीपल टाइम हमने डिस्कस किया है इन केस ऑफ एजी वन जीरो फोर के प्ले लिस्ट में भी हमने बात की है एजी थ्री जीरो फाइव के प्ले लिस्ट में भी हमने इंपॉर्टेंस ऑफ एज एक्टिव डायरेक्टिव बताया है इन ट्यून के के केस में एंड ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव के केस में भी एज यक्टिव डायरेक्टरी कैन प्ले द यूनिक रोल एंड इम्पॉर्टेंट रोल सो एक्चुअली आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू प्ले लिस्ट बेसिकली और इस प्ले लिस्ट में हम आपको कोर मीन्स ओनली एंड ओनली एज एक्टिड एक्टिव के बारे में बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक नया सर्टिफिकेशन लॉन्च किया है एस सी थ्री हंड्रेड आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट द एस सी थ्री हंड्रेड ये एक ऐसा मीन्स सर्टिफिकेशन uh, है विच इज अपल फॉर मल्टीपल प्रोफेशनल्स ठीक है इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट एक इंट्यून इंजीनियर्स के लिए भी रहती है अगर आप एज ए ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव इंजीनियर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं मेलिंग सर्विसेज मैनेज कर रहे हैं ऑन प्रोमाइस एडी के थ्रू या मेलिंग सर्विसेज मैनेज कर रहे हैं ऑन प्रोमाइसिस एक्सचेंज के जरिए एजयोर के पोर्टल पे आप वर्चुअल मशीन को इम्प्लीमेंट किया रखा है या डिबैप्स का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं आप सभी के लिए सभी प्रोफाइल्स के लिए एजयोर एक्टिव डायरेक्टरी या एस थ्री हंड्रेड के अंदर जितने भी कॉन्टेंट है ना विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी प्रोफेशनल जो माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर या फाइव या फिर माइक्रोसॉफ्ट इंटीन की सर्विसेज को इंप्लीमेंट करते हैं या उनपे एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं सो so, माइक्रोसॉफ्ट ने सेपरेट कर दिया पूरे एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट और इस पर्टिकुलर मेड्यूल में नॉट मेड्यूल इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के कॉन्टेंट की बात करें तो वो सारी चीजें कवर होती हैं जो आपको स्ट्रांग बनाती हैं इन केस ऑफ एज सर्विसेज आई एम प्लानिंग टू प्रोवाइड यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टेंट्स विच आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एस सी थ्री हंड्रेड सर्टिफिकेशन तो अभी हम मूव करते हैं और आपको गाइड करते हैं अपने रोड मैप के बारे में कि किस तरीके से आपको ये प्ले लिस्ट बेनिफिट देने वाली है और क्या क्या टॉपिक्स हम इस पर कवर करने वाले हैं प्रैक्टिकल होगा बिकॉज यू नो दैट एडी एक ऐसी सर्विस है जिसका जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करते हैं उतना ज्यादा आपका आपकी नॉलेज जो है एज ए एडी पे स्ट्रांग होती जाती है राइट एन नंबर ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल सो दैट्स वाई माइक्रोसॉफ्ट ने प्लान किया कि एडी को हम सेपरेट एक सर्टिफिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे दोनों का बेनिफिट हो माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट के पास एक सर्टिफिकेशन हो जाएगा और जो हमारे इंप्लॉयज हैं या फिर टॉक अबाउट यू एंड मी तो हमारे लिए एक सेपरेट नॉलेज एक एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा जिसपे जिस बंदे को सिर्फ और सिर्फ एडी के बारे में जानकारी चाहिए वो ये सर्टिफिकेशन पे जा सकता है मैं मूव करता हूं अपने स्क्रीन पे और आपकी हेल्प करता हूं टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्टेंट विच इज रियली इंपॉर्टेंट और हमेशा की तरह हम ब्लू यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एस सी का ताकि आपको सारे कॉन्टेंट्स आसानी से प्रोवाइड कर सके तो चलिए मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं अबाउट द कॉन्टेंट कि क्या क्या हम इस पे कवर करने वाले हैं आई एम मंजीत रावत यनलाइन इंस्ट्रेक्टर और यू आर ऑन टीच मी क्लाउड सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट गाइज आपके सपोर्ट की वजह से हमने थर्टी सेवन थाउजेंड सब्सक्राइबर तक पहुँच चुके हैं अभी और आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे उम्मीद है आपसे कि सपोर्ट करते रहेंगे अपना सजेशन शेयर करते रह गए ताकि आपके सजेशन के अकॉर्डिंग हम अपने पोर्टल uh, पर अपने यूट्यूब चैनल पर क्वालिटी बेस्ड कॉन्टेंट एज इट इज अपलोड करते रहे और जो मार्केट की डिमांड है जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपना काम आगे बढ़ा सके चलिए आ जाते हैं हम अपनी स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं अबाउट द कॉन्टेंट यहां पे हमने क्या किया है आप देखिए एग्जाम एस सी थ्री हंड्रेड जिसका पूरा नाम आप माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी एंड एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर इसके अंदर आप कॉन्टेंट जो देखेंगे वो पूरी तरीके से एडीसी रिलेटेड है तो आई एम गोइंग टू शो यू यहां पे हम चेक कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास होने चाहिए अगर हम एस सी थ्री हंड्रेड के, 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 के एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो एंड दिस इज द स्किल मेजर्ड और इसमें चार मेड्यूल में इन्होंने कैटेगराइज किया गया है फर्स्ट ऑफ फैफ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मीन्स फर्स्ट ऑफ फैब ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को एस सी थ्री हंड्रेड को इंट्रोड्यूस किया था और डेफिनेटली मोस्ट ऑफ इंजीनियर्स नीड टू बी अ सर्टिफाइड ऑफ एस सी थ्री हंड्रेड मीन्स काफी डिमांड में है आप अगर हम बात करें क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एस जीरो ए जी वन जीरो फोर में या थ्री जीरो फाइव में या माइक्रोसॉफ्ट का आप कोई भी सर्टिफिकेशन करते हैं तो उसमें एडी का पार्ट रहता है बट सेपरेट एडी इंडिविजुअल एडी के ऊपर हम लोग टाइम उतना नहीं दे पाते मीन्स ज्यादा से ज्यादा तीन से चार क्लासेस हो पाती है तीन से चार घंटे या छह घंटे की क्लासेज होती है बट इन्होंने क्या किया है एक नया सर्टिफिकेशन लॉन्च किया जिसमें टोटल ट्वेंटी फोर आवर्स राइट ट्वेंटी फोर आवर्स आपको डेडिकेटेड

प्लान एंड इम्प्लीमेंट आइडेंटिटी गवर्नेस इन एक्टिटी जो सिक्योरिटी होती है एमएफए होते हैं एस होते हैं कस्टम होते को ऐड करना हो गया वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं मैं आपको एक हिंट देता हूँ नॉट हिंट आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द प्रॉपर कंटेंट इम्प्लीमेंट एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन तो इस केस में आप देखिए कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्फिगर कंपनी ब्रांड मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं राइट right? और डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन ने आपको एक मेल आईडी असाइन किया होगा राइट right? ऑर्गेनाइजेशन ने आपको एक मेल आईडी असाइन किया होगा और उस मेल आईडी को जब आप लॉग इन करते हो अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे ना तो आप देखते होंगे कि बैक में लोगो बन के आता है IBM में जॉब करते हैं एच में जॉब करते हैं टीसीएस में जॉब करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जॉब करते हैं जब आप अपनी ई मेल आई ओवा के थ्रू मीन वेब ब्राउजर के जरिए जब आप अपनी ई मेल आई डी करते हो ना तो आपको कंपनी का लोगो आता है फिर उस आई डी पासवर्ड दे करके आप एंट्री करते हैं और ऑफिस की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो जो ये लोगो है ना इसको कंपनी ब्रांडिंग बोला जाता है राइट और ये कंपनी ब्रांडिंग कौन करता है जो ऑफिस 365 की सर्विसेज को बैकएंड से हैंडल कर रहा है जो लोकल आईटी की टीम है जिसने मेल आई आपके लिए तैयार की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस लोगों को सेट करें जितने भी इंप्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सभी इंप्लॉयज सेम उनका जो डैशबोर्ड होता है लॉगिन का सेम लोगों के साथ अवेलेबल रहता है तो इसको हम कंपनी ब्रांडिंग के नाम से जानते हैं आई गिव यू द प्रॉपर स्टेप्स कि कैसे आप कंपनी ब्रांडिंग पे लोगो बैकग्राउंड में लगाते हैं डिस्कलैमर कैसे लगाते हैं वो सारी चीजें आपकी कंपनी ब्रांडिंग में आ जाएगी अगला पॉइंट है कॉन्फिगर एंड मैनेज एज येक्टिव रोल्स तो रोल्स की बात करें तो एज रेडी के अंदर दो तरीके के रोल्स होते हैं एक आपको बिल्ट इन रोल मिल जाएगा राइट इन रोल मतलब जो ऑटोमेटिक जब आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं और आपको एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को का, का एक्सेस मिल जाता है उसी टाइम इमीडिएटली आपको uh, कुछ रोल्स इन रोल्स आपको असाइन हो जाते हैं सेकेंड ऑप्शन वी हैव ऑप्शन टू क्रिएट अ कस्टमाइज रोल हम अपनी तरफ से अपना खुद का कस्टम रोल डिजाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपना रोल डिजाइन कर सकते हैं उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी ओके okay, और क्या बात कर सकते हैं इसमें रोल्स के अंदर अब देखिए यहां पे एडी रोल्स हो गया जैसे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है यूजर एडमिनिस्ट्रेटर है बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर है ये सभी रोल आपके बिल्ट इन रोल कहलाते हैं इनको हमको अलग से क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती हाँ आप मेंबर्स बना सकते हो जो आपने यूजर बनाया है मान लीजिए एबीसी यूजर बनाया है और आप एबीसी को ऑथराइज करना चाहते हो कि वो बंदा बिलिंग की एक्टिविटी करे परचेज कर सकता है सब्सक्रिप्शन को मैनेज कर सकता है टिकट्स को मैनेज कर सकता है मॉनिटरिंग सर्विसेज एंड हेल्थ को मैनेज कर सकता है आप उसको मेंबर्स बना सकते हैं डेलीगेट कर सकते हैं यूजर्स को राइट right? बट ये जो ग्रुप हम बात कर रहे हैं ना एडी रोल्स के बारे में ये बिल्ट इन रोल है और कस्टम रोल भी हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ये हम अपने प्रैक्टिकल में देखेंगे चलिए आगे हम बात करें एक्सरसाइज मैनेज यूजर लोड तो डेफिनेटली यू शुड इट की थेटिकल से काम नहीं चलेगा यू मस्ट नीड टू इम्प्लीमेंट आई सो यू और ये पहला दिन है ये डे वन है तो डेफिनेटली थोड़ा सा हमें कंटेंट के बारे में मालूम होगा तो हम आसानी से चीजों को मैनेज कर पाएंगे एंड नो वरी अबाउट इट हर एक क्लास के पहले हर एक वीडियो के पहले मैं आपको कंटेंट की इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि ये टॉपिक हमने लास्ट कवर किया था ये हम आने वाले टाइम पे कवर करेंगे और ये हम आज कवर करने कर तो जिससे आपको सारे कॉन्टेंट्स मिल जाएंगे कोर्स कंप्लीशन की बात करें तो आई ट्राई तो टू कम्प्लीट तो एन एम्प्री टॉपिक्स बाय इन विद इन मंथ विद इन ट्वेंटी फाइव डेज हम कोशिश करेंगे कि आपको सारे कॉन्टेंट्स सारी वीडियोज मिल जाए क्रिएट कॉन्फिगर एंड मैनेज आइडेंटिटी आइडेंटिटी के अंदर कई सारी चीज़ें हो सकती हैं आपको आइडेंटिटी क्रिएट करना है किसी सर्विस को एक्सेस करने के लिए किसी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए आप आइडेंटिटी तैयार कर सकते हैं अपने टैलेंट के लिए आप अपने मैनेजमेंट ग्रुप्स के लिए तो ये सभी पार्ट हम इस पर कवर करेंगे इंप्लीमेंट एंड मैनेज एक्सटर्नल आइडेंटिटी बी टू सी की बात कर रहा है बी टू बी की बात कर रहा है एक्सटर्नल आइडेंटिटी में कैसे आप आ, गेस्ट यूजर को ऑथराइज करते हैं कैसे आप बी टू सी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो ये सारे टास्क आपको कंप्लीट करने होंगे इंप्लीमेंट एंड मैनेज एक्सटर्नल आइडेंटिटीज में उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी हाइब्रिड आइडेंटिटीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम अगर हम हाइब्रिड आइडेंटिटीज की बात करें ऑन प्रोमाइसिस पेडी आपने लगा रखा है ऑन प्रोमाइस एक्टिव सर्विस इंस्टॉल कर रखी है एंड यू आर ट्राइंग टू द दर यूजर्स टू ऑफिस ऑफिसाइव या फिर एक्टिव एजिड में तो ये आपका हाइब्रिड क्या लाएगा बहुत सारे कॉन्टेंट है इसमें कवर करने के लिए एज यूर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट राइट एज यूर एक्टिव डायरेक्टरी कनेक्ट एज यूर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कनेक्ट डायरेक्टरी कनेक्ट एंड पासवर्ड हैज पासवर्ड राइट पास ऑथेंटिकेशन डिप्लॉयमेंट शूटिंग क्या क्या आते हैं हाइब्रिड इन्वॉर्मेंट को कॉन्फिगर करने के बाद या कॉन्फिगर करने के टाइम पे कौन कौन से इशूज आते हैं वी मस्ट नीड टू नो इट इट इच एंड एवरी पॉइंट कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है तो मेक श्योर लाइक इफ यू हैव आईडिया अबाउट एज यूर एच वन जीरो फोर आप इन टीवन पे काम कर रहे हो आप वी कैन से दैट अगर आप थ्री सिक्सटी फाइव पे काम कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट थ्री सिक्सटी फाइव पे काम कर रहे हो तो ये तो पॉइंट ये सर्टिफिकेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं कि आप माइक्रोसॉफ्ट थ्री सिक्सटी फाइव केवल कर रहे हैं और uh, अगर आप ये सर्टिफिकेशन के कंटेंट को ऐड करते हैं नॉलेज को ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने 365 की सर्विसेज को बहुत ही स्मूथ तरीके से बहुत अच्छी तरीके से रन करा सकते हैं उम्मीद है समझ में आगे होगी सारी चीजें बाकी आपका सजेशन ओपन है मीन्स कमेंट हमारा ओपन है आप जो भी सजेशन दे सकते हैं दे सकते हैं मीन्स कमेंट के थ्रू बता सकते हैं एंड डेफिनेटली विल वर्क अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ठीक है आज के लिए इतना ही प्लीज डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल हम आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मीन्स जो कैरियर रिलेटेड कॉन्टेंट हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे टीच मी क्लाउड का हमेशा से मोटो है कि आपको प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर करें और जिससे आप अपने कैरियर में आईटी टी कैरियर में बूस्ट कर सकें और आप अपने अपने कैरियर में ग्रो कर रहें थैंक यू गैस डू सब्सक्राइब यूर ऑन मी क्लाउड यूट्यूब चैनल मिलते हैं अगले क्लास में पहली क्लास में एस सी में जिसमें हम आपको कंप्लीट एज ए रेक्टेड आई टी सर्विसेज बताने वाले टेक केयर बाय बाय